नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्जला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या होता है और इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अगर आपके प्रेगनेंसी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मिसकैरेज हो रही है, यानी कि गर्भ रुक नहीं रहा है, आप 9 महीने तक गर्भवती नहीं रह पा रही है, उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। अगर आप गर्भवती होने के बाद मिसकैरी हो रहे हैं, यानी कि गर्भ नहीं रुक रहा आपका फुल 9 मंथ्स तक, तब उसे मिसकैरेज कहा जाता है। और अगर ये 2-3 बार हो चुका है तो उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहा जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो दोबारा प्रेग्नेंट होने के पहले आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रहा है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये बार बार खोना पड़ रहा है प्रेगनेंसी। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इसके कारण क्या हो सकते हैं और क्या ये इनफर्टिलिटी के समान है। ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस इनफर्टिलिटी जैसा नहीं है। इनफर्टिलिटी क्या है कि आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रहे हैं, 1 साल तक आपने विदाउट प्रोटेक्शन ट्राई किया या उससे भी ज़्यादा, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और जब आप प्रेग्नेंट होके 9 मंथ्स तक आप कैरी नहीं कर पा रहे हैं या तुरंत ही वो मिसकैरी हो रहा है, तो उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहा जाता है। तो अगर आपको ये हो रहा है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। ये जान लीजिए कि रिसर्च कहता है कि 3 प्रेगनेंसी लॉस के बाद भी 75% चांस होता है इस महिला में जिसमें 3 प्रेगनेंसी लॉस हुए टू हैव अ लाइव बर्थ, यानी कि 3 अगर मिसकैरेजेस हुए फिर भी 75% चांस है एक लाइव बर्थ का। तो आइए समझते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसे कैसे अवॉइड किया जाता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले कारण, अबनॉर्मैलिटीज। यूट्रस में अगर कोई अबनॉर्मैलिटीज है, यानी कि गर्भ में ही अबनॉर्मैलिटी है, सेप्टम है, जैसे कि कोई दीवार जैसा है अंदर गड़े हैं, या प्रेगनेंसी पहले वाला प्रेगनेंसी के रिटेन प्रेगनेंसी टिश्यू है, थोड़े सेल्स रह गए हैं, तो वो प्रॉब्लम है। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, यानी कि सर्विक्स ही ठीक नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, या ठीक से उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है प्रेगनेंसी के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम। थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज, प्रोलैक्टिन अगर हाई हो तो वो प्रॉब्लम है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज होने का प्रॉब्लम है, या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, या ये भी हो सकता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स ठीक से अबनॉर्मल हैं आपके शरीर में, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो गर्भ के लाइनिंग में होता है, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता लगा सकता, बट डायग्नोसिस जब किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन जब किए जाते हैं, तब ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ट्रीटमेंट जो है आपको प्लान करने के लिए पहले तो इसका कारण समझना चाहिए। जिन कारणों का मैंने आपको लिस्ट दिया उनमें कुछ है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या है जान लेना चाहिए। फाइब्रॉइड्स, यूट्रस में जो मैंने दीवार जैसे बोला, सेप्टम बोला, मैंने कि यूट्रस में डिवीजन जैसा है, 2 भाग जैसा है, या पिछले प्रेगनेंसी का कोई प्रेगनेंसी का छोटा सा सेल्स या टिश्यू रह गया है, या यूट्रस में कोई भी एबनॉर्मैलिटी है, तो आपके डॉक्टर आपको मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी कि मेजर प्रोसीजर नहीं, बहुत छोटा सा प्रोसीजर, हिस्ट्रोस्कोपी के लिए कहेंगे, जिसमें अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, अंदर स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे ठीक किया जाएगा, या पहला प्रेगनेंसी के कोई टिश्यूज रह गए तो उसे निकाल दिया जाएगा। हिस्ट्रोस्कोपी बहुत आसानी से वजाइनली किया जा सकता है, और ये सर्जिकल इंसिशन, यानी कि पेट काट के फिर सिलाई करके, उसकी सब जरूरत नहीं पड़ती है, और हॉस्पिटल स्टे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, यानी कि आपका सर्विक्स ही ठीक नहीं है, आपके गर्भ का द्वार ठीक नहीं है, तो आपको डॉक्टर एक सर्वाइकल सर्कुलाज करके एक प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, जिससे आपके गर्भ को एडिशनल सपोर्ट, यानी कि और थोड़ा गर्भ को सपोर्ट मिलता है, फीटस को या बेबी को बढ़ने के लिए। थायराइड का कंडीशन हो, डायबिटीज का कंडीशन हो, या हार्मोन का कंडीशन हो, या तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको खुद हार्मोन के मेडिकेशंस देंगे, या एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर करेंगे जो आपके हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी अगर प्रॉब्लम है आपका, तो ब्लड थिनर दिया जाएगा, लो डोज एस्पिरिन भी दिया जाता है कई अवसरों में, जहाँ पे प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी टर्म तक जा सकते हैं, फुल 9 मंथ्स के बाद अच्छा हेल्दी बेबी हो सकता है। अगर कोई क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तब IVF रिकमेंड किया जाता है, जहाँ पे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, यानी एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, पता लगाया जाता है। एंडोमेट्राइटिस अगर है, तो आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड कर सकते हैं, जिसके कोर्स के बाद जो भी इन्फेक्शन है वो कम हो सकता है। और अगर कोई अननोन कॉजेस हैं, तो यस डेफिनेटली डॉक्टर हर तरह से, गायनेकोलॉजिस्ट आपके प्रॉब्लम को जांचने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तो आसान से आसान तरीकों से शुरू करते हुए कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स भी देने के लिए रेडी होंगे। इसके सहारे आप डेफिनेटली
प्रेग्नेंट होने के चांसेस रखते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।